रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, लेडी हार्डिंग, आरएमएल, मैमसी, यूसीएमएस, सफदरजंग, एंड हम सब सॉलिडेरिटी में खड़े हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए, जो कि चलता आ रहा है पिछले 25 दिन से। बात यही है कि हमारा जो नीट पीजी का एग्ज़ाम होना था जनवरी में, पहली बात वो पोस्टपोन हो गया, वो पोस्टपोन होते होते सितंबर में हुआ, उसका रिज़ल्ट ही डिले हो गया। काउंसलिंग जो है उसका 4 बार सुनाई हुई है उसकी, एंड 4 बार काउंसलिंग की डेट पोस्टपोन ही होती गई है, निकली नहीं है अभी तक, और अभी भी हमें ये नहीं पता है कि फाइनली नीट पीजी 2021 काउंसलिंग कब होगी। एक पूरा बैच मिसिंग है, 33% डॉक्टर्स जो हैं वो मिसिंग हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही है, देश की जो आम जनता है, सारे मरीज हैं, वो सफ़र कर रहे हैं इसकी वजह से। और जो लोग घर पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो एस्पिरेंट्स थे, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके लिए भी ये बहुत बुरा है, क्योंकि उनको भी मौका नहीं मिल रहा कि वो आके अपनी ट्रेनिंग शुरू करें। तीसरी बात ये है कि अभी कोविड की भी वेव आने वाली है, ठीक है, केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, और जनवरी तक हो सकता है कि अच्छी खासी एक वेव आ जाए, तब हमारे पास डॉक्टरों की कमी होगी, वर्कफोर्स की कमी होगी। तो इसमें जैसे पिछली वेव आई थी अप्रैल में, उस समय बेड्स भी नहीं मिल रहे थे, इस बार हालत शायद उससे भी बुरी हो, क्योंकि डॉक्टर्स की काफ़ी कमी होने वाली है, और जब डॉक्टर्स की कमी होती है तो पेशेंट का मैनेजमेंट जाहिर सी बात है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। देखिए सर, जो पहले से चीज़ें चलती आ रही हैं, जो हर साल रेजिडेंट्स आते हैं, हर साल नई भर्ती होती है, नए रेजिडेंट्स आते हैं, जो कि बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट्स ही ज़्यादा काम संभालते हैं, तो वो रेजिडेंट्स पिछले एक साल से नहीं आ रहे, और जो पास होकर जो निकलते हैं, जो ट्रेनिंग बैच पास हो जाता है, वो एक निकल जाता है, तो यहाँ पर एक लैक हो गया है, बैच आया नहीं है और आगे वाला बैच पास होकर चला गया है, और आगे कोविड टाइम आने वाला है, तो हेल्थ केयर सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है। यहाँ पर सिर्फ एक बैच है, जहाँ 3 डॉक्टर का काम होता था वो सिर्फ एक इंसान करेगा तो वो नहीं संभाल पाएगा। तो आगे आने वाले समय के लिए अगर सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है, ये जो देरी है ये सरकार की पॉलिसीज़ के कारण देरियां हुई हैं, जो जिसके कारण कि अभी बैच नहीं आ रहा है, तो इसी चीज़ के लिए हमारा प्रदर्शन अभी इसी चीज़ के लिए है सरकार के सामने। आप जो चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, हमें काउंसलिंग करवाइए सबसे पहले, नहीं तो ये कोलैप्स जो है हेल्थ केयर सिस्टम का ये हो जाएगा और आप नहीं संभाल पाएंगे। इसके बाद काउंसलिंग जो देरी की वजह से 50,000 डॉक्टर जो घर में बैठे हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग हमारी ये मांग है कि काउंसलिंग जल्दी से जल्दी सरकार करवाए, और जो 50,000 के डॉक्टर हैं जो हमारे हाथ जो बंधे हुए हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अस्पताल में, कि अभी आप देख सकते हो कि ओमिक्रॉन का भी खतरा है, उसके वजह से आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की मांग है हमें, तो इसी रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से बस यही मांग है कि जल्द से जल्द एक रिटर्न एश्योरेंस दे हमें कि काउंसलिंग का डेट हमें चाहिए।